नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दीपक कोब्रामेन बाड़मेर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सूचना मिली कि बुरटिया गांव नाइयों की ढाणी में एक सांप है जिसने दूसरे सांप का शिकार किया है। यहां पर आने के बाद हमने देखा कि सांप एक पत्थर के पीछे आकर बैठ गया है। यह कोबरा प्रजाति का सांप है और काफ़ी सुंदर है। इसकी उम्र लगभग अभी 3 साल कम्प्लीट होने को आई है। करीब इसकी लंबाई 2.5 फुट के लगभग है और अभी हम इसको पकड़ेंगे। दोस्तों, इसको लगा कि एक सेफ एरिया है तो ये यहाँ पर आके बैठ गया और घर वालों ने इसके ऊपर नज़र रखी। उसके बाद हमें फ़ोन किया, हम लोग आए हैं, अब हम इसको पकड़ेंगे। पकड़ कर एक डिब्बे में डालेंगे क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है। मैं छोटी थैली मेरे पास है नहीं तो इसको मैं छोटे डिब्बे में ही लूँगा। दोस्तों, इसने एक शिकार किया था जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका था आज, और जिसको गोरावा सांप यहाँ बाड़मेर में बोला जाता है, जिसका नाम ग्लोसी बेली रेसर है। हालांकि वो सांप मर चुका है और हमने उसको अभी एक दफना दिया है मिट्टी में। मतलब काफ़ी ध्यान रखने जैसा है। डिब्बे में जब भी सांप डालते हैं तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार वो मुंह बाहर निकलता है और कई बार बाइट भी हो जाती है। अभी इसकी पूंछ रह गई है थोड़ी, उसको अंदर डाल लेना है। उसको अंदर डाल लिया है, अभी इसको हमने रेस्क्यू कर लिया है, इसको हम छोड़ने जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम इसको रिलीज करने आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे इसको रिलीज करेंगे। ये बाड़मेर जिले में रेगिस्तान में जंगल ऐसा ही मिलता है। आप सोच रहे होंगे हम इसको जंगल में लेके आए हैं, जंगल दिख नहीं रहा है, पर ये जंगल ही है। पर यहाँ पे मरुस्थली इलाका, इसलिए ज़्यादा घने पेड़ वगैरह वैसा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जिसका इसने शिकार किया था, यानी कि जिस सांप के अंदर इसका वेनम भी गया है, यानी कि जो गोरावा था जिसको इसने खा रहा था, ये जो उसके अंदर इसका जहर गया, इसलिए हमने उसको एक गड्ढा खोद के छोटा सा उसके अंदर गाड़ दिया। वो इसलिए कि अगर कोई दूसरा जीव उसको खाए तो उसकी वजह से उसकी मृत्यु ना हो। अगर कोई जीव दूसरा खाएगा तो वो मरेगा, ये तय है। अभी हमने इसको यहाँ छोड़ दिया, ये भी यहाँ से आगे जाएगा इसके भोजन की तलाश में, या जहाँ पे इसको सुरक्षित लगेगा। दोस्तों, ये हमने छोड़ दिया है, लेकिन पता नहीं जैसे ही ये हमारी तरफ आने लगा तो हम लोगों ने इसको वापस दूर भगाने की कोशिश की। इस वजह से ये खड़ा है और अपनी परछाई को देख के मतलब काटने की कोशिश कर रहा है, डंग मार रहा है। लेकिन इसकी खूबसूरती देखने को मिल रही है। देखिए ये कितना छोटा है, फिर भी इतना जो इसका फन है वो फैला रहा है, और काफ़ी खूबसूरत सांप है ये। हमारे भारत में इसको पूजा जाता है, लेकिन किसी को अगर ये चीज़ की गलत फहमी हो कि छोटा बच्चा फन नहीं फैलाता, बड़ा ही फैला सकता है, ऐसा नहीं है। ये पैदा होते ही पहले सेकंड में फन फैला सकता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। दूसरी बात ये कि जब ये पैदा होता है तो पहले ही सेकंड में इसके पास जहर होता है, और अगर पहले ही सेकंड में किसी को काटेगा तो उसकी मृत्यु होगी और निश्चित होगी। क्योंकि बड़ा सांप काटेगा तो वो मामूली वेनम जो है वो इंजेक्ट करता है, लेकिन छोटा बच्चा है वो समझता नहीं है, मतलब कम समझदार है, इसलिए वो पूरा का पूरा जहर जो है वो छोड़ देता है। उससे आदमी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और उसकी मृत्यु जल्दी होती है। तो ध्यान रखें, बड़े से ज़्यादा छोटा सांप खतरनाक है। ये कहीं पे भी छुप सकता है, आपके जूतों में भी छुप सकता है, मतलब आप देख सकते हैं छोटी से छोटी जगह पे ये छुप सकता है। इसलिए जब भी आप जूते पहने तो ध्यान से देख के पहने,
हो सकता है कहीं ना कहीं कोई जीव जंतु हो। दोस्तों इस सांप की सामने से खूबसूरती देखी है, अभी इसको पता चल रहा है कि हमारे सामने कोई है। अभी ये मूवमेंट कर रहा है, धीरे धीरे जाना चाह रहा है, और अभी ये यहाँ से आगे चला भी जाएगा। बस ये मौका ढूंढ रहा है और ये आगे बढ़ गया। ये भी धीरे धीरे यहाँ से आगे जाएगा, तो जैसे इसको भोजन मिलेगा वैसे उस तरह से आगे आगे बढ़ता जाएगा। इसको जहाँ पे सुरक्षित लगेगा वहाँ पर ये अपना मतलब स्थान बनाए। रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले सांपों की जानकारी हेतु मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, यही मेरा निवेदन है। मैं ऐसी ही वीडियो आप सबके लिए और आगे भी बनाऊंगा। जय हिंद।